प्रजातांत्रिक तरीके से देश में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव है 2023 का। ये राजस्थान विधानसभा में आज 41 सीटों के कैंडिडेटों की नाम डिक्लेयर किए हैं और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम जनता के लिए, क्योंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और यहाँ जो विकास नाम की कोई चीज नहीं। मैं ताजुब करता हूँ, यहाँ का जो मंत्री रहा, मंत्री आज नहीं है, वो गांव गांव में जाकर कहता है मैंने यूनिवर्सिटी बनवाई। अरे थोड़ी बहुत शर्म करो, यूनिवर्सिटी मुझे दो नए पैसे नहीं दिए अलजना की यूनिवर्सिटी में। मेडिकल कॉलेज का काम हमारी घोषणा की, जो काम कंप्लीट नहीं हुआ। आप कॉलेज वो आपके जो आपके मिनी सचिवालय, उसमें वकीलों को जगह नहीं दी गई और वो धरने पे बैठे हैं। इन लोगों ने पानी का, बिजली का, सड़कों का कोई काम नहीं किया। राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट आ रही है, हम अलवर जिला जो पानी के लिए सूख गया उसको संभल के पानी को लाएंगे, और पानी अलवर जिले का, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं, उसका प्यास बुझाएंगे। जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाले हुए राजस्थान की गवर्नमेंट में, लगभग 2700 करोड़ रुपए हैं राजस्थान को दिया गया, वो पैसा लगा नहीं। आपके जाली पाइप लगा दिए, जो जो जिस कंपनी के पाइप लगने थे वो कंपनी के पाइप ना लगा करके उन लोगों ने गड़बड़ की है। ये राजस्थान का राज बदलेगा, लोग त्रस्त हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझको विश्वास किया है, मैं उसके उस नेतृत्व में को विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं खरा उतरूंगा और जनता के बीच में जाकर भी खरा उतरूंगा। विकास का जो काम अधूरा रह गया, मैं गांव में जाकर देखता हूँ सड़कों पर कोई डांबर है ही नहीं, टूट गई सड़क, बनाता नहीं वो आदमी। मैं भनवाड़ा गया था, भनवाड़ा के सरपंच अभी आया था, मैंने पूछा क्या हुआ तुम्हारा सड़क का, उनको 4 साल हो गए। अभी बीच में जब टिकट घोषित नहीं हुए थे उससे पहले क्या है कि आपका जो लगातार विरोध भी किया जा रहा था, आपके परिवार से भी विरोध किया गया था, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? ये जो विरोध करने वाले वो तो टिकट मांगने वाले थे, इसलिए विरोध की कहां भाषा, वो तो ये है कि इस बहाने से हमको टिकट मिल जाए, उनका अधिकार जरूर था टिकट मांगने का, लेकिन विरोध करने वालों का जो विरोध करने का तरीका था वो ठीक नहीं था। उनको शायद जानकारी थी भी, और वो ये प्रायोजित प्रोग्राम था टीकाराम जूली का, उसको खतरा था कि जयराम जाटा को ना मिले किसी को दे दें जिससे तेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति तो जनता माता के हाथ में है, वो हारेगा, जनता मुझे जिताएगी, माहौल कह रहा है। अभी आपने बताया था कि भाई मेरे को सपना भी आया और पहले क्या मैं भगवान राम की प्रतिमा के सामने खड़ा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सो रहा था तो मुझे सपना आया था और मुझे बहुत बड़ा नेता मिला और मुझसे वो कह रहा था कि भाई आपको हम टिकट दे रहे हैं और आप जीत के आना, मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिला जीत के आऊंगा। और मेरी आंख खुली तो मैं देखा, अरे यार ये सपना क्या है। और मुझे कुछ बानर सेना दिखी तो मैं कल हनुमान जी के वहाँ प्रसाद चढ़ाने जाऊंगा, आज तो मैं अपने मंदिर में जा रहा हूँ और संग करने जाऊंगा। इसलिए ये शिष्टाचार से हम लोग 5 साल से चले हैं पार्टी में जो काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विश्वास किया, मैं उस पर खरा उतरूंगा। अभी अलवर ग्रामीण के लोग आपका स्वागत करने के लिए है, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो किस तरह का माहौल चल रहा है यहाँ? मंडलों का अध्यक्ष तुलसीदास रावली आया है, हमारे सरपंच साहब आए हैं धारा सिंह जी, हमारे मुकेश जी चौधरी, हमारे प्रवक्ता आए हैं। ये जैसे पता चला ना टेलीफोन से, सोशल मीडिया के द्वारा पता चला तो रुका नहीं जा रहा है, चलो यार चलो भाई वहाँ तो बधाई लेके आए तो खुशी तो रहती है। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि अलवर ग्रामीणों में मैंने काम करवाया, तो किस तरीके से आप उनको प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आप चले मैं उदाहरण प्रस्तुत कर दूं। टीकाराम जूली ने क्षेत्र में घोषणा तो खूब की है, झूठ की पोर्ट खुल जाएगी, बंदी पड़ी है, आज खुल गई आधी तो गाड़ी जब खड़ी होगी उसकी वजह गैरेज में, और पुल की गाड़ियां खड़ी हुई, इसलिए टीकाराम जूली ने जो झूठ बोली उसका पता चल गया।